हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी नीट के चैनल पर। तो बच्चों, हाउ इज द जोश? बताओ भाई, कैसा जोश है आप सभी लोगों का? गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए, आज से हम 2024-25 का बिगुल बजाते हैं। आज से हम मॉड्यूल वाइज ऐसी तैयारी करेंगे जो कि हमें 170 प्लस 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आराम से दिला सके। बस बशर्त बात इतनी सी बता कि जो मैं आपको पढ़ाऊं, उसके बाद मैं टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो स्पेशल क्लास में कनेक्ट होकर पूछें। अगर ये सारी चीजें आपने मेंटेन रखी तो फॉर श्योर आप एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, बस आप मेहनत करते चले जाइए, आपको नतीजे अपने आप मिलते चले जाएंगे। यस, सो हाउ इज द जोश? कम ऑन एवरीवन, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक्साइटमेंट बताओ यार, जरा ऐसे 2024 की शुरुआत करनी है, ठीक है? ऐसे हल्के में थोड़ी ना हो पाएगी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल आप पूछ रहे हैं कि कौन सा टेलीग्राम चैनल है बेटा? टेलीग्राम अपने फोन के ब्राउजर में जाकर बस आपको एंटर करना t.me/mahisirphysics, ठीक है? ये जैसे ही जाके आप एंटर करेंगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा माही सर। क्या नाम है बच्चों? टेलीग्राम चैनल का नाम है माही सर। यहां पर आप कनेक्ट होइए, आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल फिजिक्स का मिल जाएगा, ठीक है? यस, अरे वाह, शानदार, चलो बढ़िया बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ हम कहानी क्यों शुरू कर रहे हैं? वैसे शुरू तो बेसिक मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए थी। बात बिल्कुल सही है बच्चों कि हमें बेसिक मैथ के साथ शुरू करना था, बट जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेसिक चैप्टर, ठीक है? कि ये सबसे आसान और सबसे बेसिक चैप्टर में से एक है, और इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें नहीं आनी चाहिए, और एक तरह से आपको पूरी फिजिक्स आनी चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए बहुत आसान करूंगा काम, बस जो जो चीजें मैं कहूं उन्हें याद कर लेना बेटा। कुछ ऐसे डायमेंशंस आज की क्लास में हम सीखेंगे जिन्हें अगर आपने याद रखा तो फिर चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपसे पूछा जाए, आप उसका कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा पहला मॉड्यूल है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है? आज हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, यूनिट्स की जरूरत क्या है, डायमेंशंस होते क्या है, डायमेंशंस कैसे डिराइव करते हैं, इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। जब ये वाला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है? जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स वगैरह बेटा, ठीक है? सो दिस विल बी द सीक्वेंस। तो अभी के लिए आप पहले इस मॉड्यूल को बेहतरीन करें, ठीक है? और जब ये मॉड्यूल अच्छा हो जाएगा तो अपने आप आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? सो हाउ इज द जोश इन द चैट सेक्शन? यस एवरीवन, वेरी गुड। नो, इट विल नॉट बी अ वन शॉट बेटा। इसमें 5-6 लेक्चर्स लेंगे, आराम से तसल्ली से करेंगे, बहुत सारे आपको चीजें दिखाते हुए, विजुअलाइजेशन कराते हुए। चलिए, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें बेटा, ठीक है? तो यहां पर हम कहानी शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है? चलिए आ जाइए। बहुत स्मॉल चैप्टर है लेकिन बहुत प्यारी चीजें बेटा। इस ये जो आपका यूनिट्स एंड, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये जो चैप्टर है इसको यूनिट कहिए, आप चैप्टर मत कहिए बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ यूनिट। इसमें दो चैप्टर आते हैं बेटा, एक आता है आपका यूएनडी, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और दूसरा इसमें आता है एरर इन मेजरमेंट बेटा, ठीक है? दूसरा यहां पर आता है सर एरर इन मेजरमेंट।
तो ये दो चैप्टर्स हैं, अब इनसे मिलाकर मिनिमम क्वेश्चंस की हम बात करते हैं बेटा, मिनिमम गारंटी। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक सवाल पक्का बेटा, और अगर एक सवाल पक्का है मतलब कि चार नंबर तो कहीं नहीं गए, आते ही आते हैं, ठीक है। फिर हम एरर इन मेजरमेंट की जब बात करेंगे तो मिनिमम बात करो बेटा मैं, एक क्वेश्चन यहां से आएगा यानी कि चार नंबर यहां से भी, यानी कि टोटल जो यूनिट हम यहां पर कंप्लीट करेंगे 6 लेक्चर्स में आपको यहां पर 8 नंबर कवर हो जाएंगे बेटा। कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको? टोटल 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बहुत आसान चैप्टर और केवल 5-6 लेक्चर्स में अगर हमें 8 नंबर मिल रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से इसको सुनना चाहिए, बहुत अच्छे से इसे ग्रैब करना है, ठीक है। यस एवरीवन, सारे चैप्टर्स करेंगे मॉड्यूल वाइज करेंगे, मैं मॉड्यूल वाइज आपको शेड्यूल देता चला जाऊंगा, आप बस उसे फॉलो करते चले जाइएगा, राइट। चलो लेट्स बिगिन, ठीक है। तो बच्चों एक छोटी सी बात आपसे पूछते हैं, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, बताइए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? बताइए बच्चों, व्हाट आर दी फिजिकल क्वांटिटीज, किसे कहते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्या कोई बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? क्लास में कंटेंट कवर होगा, क्लास में क्वेश्चंस खूब सारे होंगे, क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस खूब सारे होंगे, और इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हम स्पेशल क्लास पे करेंगे बेटा। एक बहुत अच्छी किताब है जो मार्केट में बहुत फेमस है नीट के लिए, वो है सर डीसी पांडे सर की बुक, और हम उसे पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे। बस आप कनेक्टेड रहिएगा, कसम ये खाइएगा कि आज से शुरू किया है तो आखिर तक आप बने रहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, ठीक है। आधा जवाब तो आपका सही था, फिजिकल क्वांटिटीज का जवाब यहां पर आया है सर विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। ऐसे क्वांटिटीज जिन्हें क्या किया जा सकता है बेटा, विच कैन बी मेजर्ड। अब आपने मेजर्ड तो बोल दिया, लेकिन मेजर्ड के साथ साथ एक चीज और बेटा, एंड आपको लिखना है, एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्या चीज करने के लिए बेटा? यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज को, केमिस्ट्री के लॉज को, साइंस के लॉज को डिफाइन करने के लिए जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बात करते बेटा, जैसे हम बात करेंगे सर कौन कौन सी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आप बात करेंगे सर वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। ऐसे सभी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और जिनको यूज करके हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन कर सके। जैसे यहां पर आप देख सकते हो फोर्स हो गया, उसके साथ साथ आप यहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं कि सर मास भी हो गया, एग्जांपल में आप लोग यहां पर एक्सलरेशन भी लिख सकते हो। अब आप लोग जानते हो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सलरेशन। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास फोर्स होता ही नहीं, मास होता ही नहीं, एक्सलरेशन होता ही नहीं, तो कैसे आप इस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज की अहमियत आपको समझ दी है यहां पर कि सर जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम तब लिख पा रहे हैं जब हमें मालूम है एफ क्या है, जब हमें मालूम है एम क्या है, जब हमें मालूम है ए क्या है, और ये सभी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फिजिकल क्वांटिटीज। वही उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में बस जिनका होना बताया जा सकता है, जैसे एक हाउस, ठीक है। यहां पर आप बात करेंगे बेटा किसकी? अ हाउस, ठीक है। आपने यहां पर बोला अ हाउस, ठीक है। अब इसको कैसे मेजर करोगे? हाँ, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर, हाउस को तो मेजर किया जा सकता है ना, हम हाउस कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। तो बेटा अगेन लेंथ विड्थ हाइट ये सारी चीजें क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस, ठीक है। तो उसका कोई यहां पर अ रेस्टोरेंट, ठीक है, उसका कोई भी क्या नहीं है, यहां पर क्वांटिटीज हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। अ हाउस मींस अ हाउस। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हुई, ये खैर इनसे ज्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बातें समझ में आ रही है एवरीवन? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो अब फिजिकल क्वांटिटीज तो समझ में आ गई, फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गई। चैट सेक्शन लाग हो जाए तो मैं आगे बढ़ू बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है।
ऐसी सभी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिनकी मदद से लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन किया जा सके, हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा आपने, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम इसको लिखेंगे रिप्रेजेंटेड ऐसे, रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा क्यू। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सवाल का आप जवाब देंगे, ठीक है। चैट सेक्शन से देखिए इंटरक्टिव सेशन रखते हैं, है ना बेटा, तो हम पूछते हैं किससे, चलिए जल्दी से बताइए, दिव्या, दिव्या से पूछते हैं बेटा, कोई भी या फिर ठीक है, दिव्या, दिशा, सृष्टि, काफी सारे बच्चे हैं, आप मुझे बताइए कि आपका वेट कितना है, स्टार्ट राइटिंग डाउन इन चैट सेक्शन, व्हाट इज योर वेट, आपका वेट कितना है, रितुजा, राजपूत, प्रिया, बबीता, एवरीवन, आपका वेट कितना है बेटा, आपका वेट पूछ रहा हूं मैं, वो बताइए, उसका जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया बात समझ पाएंगे। सो किसी का जवाब आया 51, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी का जवाब आया यहाँ पर, मान लीजिए से आंसर आया 51, किसी का जवाब आया यहाँ पर 47, किसी का जवाब आया बेटा यहाँ पर 44, किसी का जवाब आया बेटा यहाँ पर 62, लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर दी नंबर्स बेटा। अब कुछ बच्चों ने क्लियरली आंसर किया है कि सर यहाँ पर 47 क्या है, 47 केजी है। किसी किसी ने यहां पर क्या किया, कोई भी साथ में कुछ भी स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया। अब मैं जैसे ही आपने वर्ड 51 बोला, मैं उसके आगे क्या लिख सकता था, सेंटीमीटर, मैं उसके आगे क्या लिख सकता था, किलोमीटर, मैं उसके आगे क्या लिख सकता था बेटा, पाउंड, मैं उसके आगे क्या लिख सकता था बेटा, केजी, मैं उसके आगे क्या लिख सकता था बेटा, ग्राम, मैं उसके आगे क्या लिख सकता था बेटा, मिलीग्राम। तो इस एक नंबर को स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट करने के कई अलग अलग यहां पर पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपको हमेशा बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे उसमें दो चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तभी तो बात पूरी होगी ना, अदरवाइज आप बोलोगे 55 और मैं समझ लूंगा उसको ग्राम, तो फिर लोगों को लगेगा यार 55 ग्राम का बच्चा, ये कैसे हो सकता है, getting my point or not? तो साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताना बहुत जरूरी है। तो आपने यहां पर क्या बोला सर, 47 केजी, ये 47 क्या है बेटा, ये 47 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या हो गया बेटा, 47 आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, 47 इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, क्या है यहां पर, 47 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो यहां पर आपने लिखा है ना बेटा, ये केजी, ये इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सर स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इस स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को ही हम नाम देते हैं यूनिट बेटा, क्या कहते हैं इसको, यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड शब्द क्या लगाया बेटा आपने आगे, स्टैंडर्ड, क्यों हम इसे स्टैंडर्ड कह रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, इसको भी मैं आपको समझाता हूं बेटा, बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत बात है, इसको स्टैंडर्ड कहने के पीछे का रीजन है। क्योंकि देखिए अगर मैं कहूं, है ना, मैं कहूं कि इंदौर और भोपाल दो शहर हम एग्जांपल में लेते बेटा, क्यों हम स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते, रीजन क्या है उसके पीछे हम समझ लेते हैं एग्जांपल से, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस ध्यान से आप सुनते चले जाइए, राइट एवरीवन। स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही क्यों कहा जाता है, ये यूनिट एक्चुअल में बला क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लीजिए, ठीक है, सुन लेना सब लोग ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही सारी बातें, दो शहरों के हमने एग्जांपल लिए बेटा, एक शहर हमने लिया इंदौर, एक शहर हमने लिया बेटा इंदौर, और एक शहर हमने लिया चलिए दिल्ली, ठीक है, एक शहर हमने क्या ले लिया बेटा, दिल्ली ले लिया, गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट। अब जो इंदौर में 1 केजी है वो अगर दिल्ली में जाकर 10 केजी की तरह से ट्रीट हो जाए बेटा, जो इंदौर का 1 केजी है अगर वो दिल्ली में 10 केजी के बराबर हो, तो कोई भी आदमी क्या करेगा कि यहां पर इंदौर में सोना खरीदेगा और दिल्ली में जाकर 10 गुना प्रॉफिट में बेच देगा,
समझना बात को। ऐसे बहुत सारी कहानी है राजा महाराजाओं के जमाने से, अलग अलग थ्योरीज आई और उनके हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आने लगी और उसके बाद फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ा बेटा। तो साइंटिस्ट हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने फिजिक्स को यहां तक आगे बढ़ाया है, उन्होंने बैठकर विचार किया और उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन बनाया जिसे हम स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और वो है यूनिट। इंदौर में अगर वो केजी है तो वो दिल्ली में भी केजी होगा, भोपाल में भी केजी होगा, वो यूएसए में भी केजी होगा, वो पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी आप चले जाइए सब जगह वो सिमिलर ट्रीट किया जाएगा बेटा। तो ये यहां पर एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आदमी क्या करेगा यार, यहां पर 1 लीटर दूध खरीदेगा और यहां पर ले जाकर 10 लीटर दूध बेच देगा, 10 गुना प्रॉफिट हो गया ना। तो आपको ये बात समझनी है कि हर जगह नंबर का मीनिंग सेम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको बढ़िया तरीके से एवरीवन? बहुत अच्छे, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, अगर दिल आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब आपने क्या करा, मान लीजिए किसी राजा ने कहा कि नहीं देखो यार मैंने तो राज्य में सभी चीजें समान रूप से समझी जाएंगी, ठीक है, मतलब सोना पत्थर हीरे जवाहरात सब एक जैसे। तो आदमी क्या करेगा, आदमी 4 पत्थर उठाएगा, सोनार की दुकान में जाएगा, बोलेगा भाई साहब 1 किलो पत्थर ले लो और 1 किलो सोना दे दो। अब सोनार बोलेगा भाई ये पत्थर तो फ्री में मिलता है, मेरा सोना महंगा है। तो ये महंगे सस्ते को डिफाइन करना, कौन सी चीज की क्या कीमत है, कौन किस तरह से लिखा जाए, किसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना है, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की मदद लेनी पड़ेगी। यहां तक अगर आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई तो मैं आगे कहानी बढ़ाता हूं बेटा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो हम उसे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, एन इंटू में यू। इसमें दो बातें होती है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, बहुत अच्छे। और यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ बेसिक चीजें आपको आती हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोग्राम तो आप जानते हैं कि सर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। कुछ चीजें आपको मालूम है कि सर जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये कुछ चीजें आपको मालूम है बेटा, ठीक है। तो आपको इस तरह से जैसे अगर मैं लिखूं कि 1 किलोमीटर बेटा तो आप लिखोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। अगर ये पता है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं तो आप लिखेंगे बेटा कि एक यहां पर क्या करेंगे सेंटीमीटर में कितने बेटा 10 mm होते हैं, कितने mm होते हैं बेटा 10 mm होते हैं। इसीलिए जब हम 1 मीटर लिखते हैं तो यहां पर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm के बराबर हो जाता है। तो अब समझो ये सारे क्या है बेटा, यूनिट्स मैंने लिखे, उनके कन्वर्जन मैंने लिखे, ये आपको पता है, ये बेसिक्स है, क्लास 6 में हम लोग सीख रहे होते हैं पहली बार। अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं क्या कहानी होने वाली है। मैंने कहा कि मास किसी बच्चे का है विच इज m1 इज इक्वल टू 5 kg बेटा, क्या कहा मैंने उसको 5 kg, या फिर मैंने इसको कहा बेटा 5 kg ना लिखकर अगर मैं लिखूं तो क्या मैं इसको 5000 ग्राम लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर कैसे लिखा आपने 5000 ग्राम, अरे बड़ा सिंपल है बेटा 5, अब यहां पर क्या लिखा आपने 1 kg ना, 5 into 1 kg और 1 kg किसके बराबर है बेटा 1000 ग्राम के बराबर है। तो 5 into में यहां पर क्या हो जाएगा सर 1000 ग्राम हो जाएगा। तो नंबर क्या आने वाला है आपका 5000 ग्राम आने वाला है। अब यहां से जो मुझे आप लोगों को सिखाना है उस बात पर गौर करिएगा, समझ आया? तो बेटा अब देखिए जब आप मास को लिख रहे हो सर कि 5 kg, ठीक है, और या फिर आप उसको बोल रहे हो 5000 ग्राम बेटा, तब भी यहां पर भी क्वांटिटी क्या है, यहां पर भी क्वांटिटी मास है और यहां पर भी क्वांटिटी क्या है बेटा मास है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और आप लोग आम रस खाने में बहुत मस्त होंगे, ठीक है, सबके घरों में आम रस बनता है। आम खरीदने गए भाई, आपने क्या खरीदने गए बेटा, मैंगो खरीदने गए, तो दुकानदार को जाके कहा 5 किलोग्राम मैंगो दे दो या 5000 ग्राम मैंगो दे दो। मैंगो तो मैंगो रहेगा ना, चाहे 5 किलोग्राम मेंशन करो चाहे 5000 ग्राम मेंशन करो। कुल मिलाकर
इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है बेटा कि जो Q is equals to आपने NU लिखा है ये कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? सर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती। हाँ N अगर चेंज हो रहा है, N अगर क्या हो रहा है बेटा चेंज हो रहा है तो आपका U भी क्या हो जाता है? अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। मतलब सर यहां न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी? 5। स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या था? केजी। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी बेटा? 5000। स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? ग्राम। सर एन बदलता है, यू बदलता है, यू बदलेगा एन बदलेगा, लेकिन क्यू सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि भैया हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं N1U1 is equals to क्या बच्चों? N2U2। यूनिट कन्वर्जन में ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। इसको अच्छे से नोट करके लिख लेना बेटा। हालांकि आपको एक बात बता दें, अगर आप स्पेशल क्लास पे, ये क्लास अभी दो जगह चल रही है बेटा, यूट्यूब पर भी और स्पेशल क्लास में भी, चैट सेक्शन में एक लिंक पिन किया होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप स्पेशल क्लास में पहुंच जाओगे। वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा यहां पर क्या चीज होगी? सर Q is equals to NU और वो कांस्टेंट होता है। चलिए अब कुछ करते हैं बढ़िया से सवाल और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए जरा। अब एक पहला सवाल आपको करवाते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जब तक हमें चीजें कंठस्थ नहीं होंगी या समझ नहीं आएंगी, जब तक हम सवाल नहीं कर लेते। और इन क्लासेस का बेटा शून्य से नीट तक का ये सफर है, इंसान से भगवान बनने का ये सफर है। आप बस क्लास में बने रहिए, आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं, अदर देन डीपीपीज प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पास होने चाहिए बेटा। मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर आपसे बोलू बेटा, ठीक है, आइडेंटिफाई, क्या बोल रहा हूं बेटा, सवाल बना रहा हूं, देखिए आइडेंटिफाई, ठीक है, ग्राफ, आइडेंटिफाई ग्राफ बिटवीन, आइडेंटिफाई ग्राफ बिटवीन एन एंड यू बेटा, ठीक है, किसके बीच में? एन एंड यू के बीच में। ऑप्शन ए बना रहा हूं, यहां पर हमने लिया बेटा इस तरफ, ठीक है, यहां पर मैंने लिया एन, यहां पर मैंने लिया बेटा यू, और ये ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑप्शन मैंने बनाया बेटा बी, यहां पर आपसे कहा कि सर यहां पर है यू, यहां पर है आपका एन, और मैंने कहा कि ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा ऑप्शन सी बेटा, यहां पर आपको बोला कि सर ऑप्शन सी में क्या सिचुएशन है, यहां पर एन है, यहां पर आपका यू है, और ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी में आपने कहा नन ऑफ दी अबव। चलो सोचे, जरा सोचे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, जल्दी से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? टीजी पर नोट्स शेयर हो जाएंगे बेटा, टेलीग्राम पर भी नोट्स शेयर हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे आप, मिल जाएगा आपको, माही सर के नाम से मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा माही सर के नाम से, ठीक है। और एक बात से सचेत और सावधान रहे बेटा, आजकल चीजें फ्रॉड बहुत चल रही होती है, ठीक है, मैं 199 रुपए में कोई भी नोट्स आपको नहीं बेचूंगा कभी भी, ठीक है। तो कोई अगर मेरे नाम से तुम्हें कहे कि ये माही सर के नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, एनसीईआरटी डिकोडेड नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो फेक है, उन पे भरोसा नहीं करना अपने को, ठीक है। चलिए मैं जो कुछ भी आपको दूंगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अच्छे से आप चीजें यहाँ पर समझते चले जाए, ठीक बेटा, डन 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 डन। क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी। अरे बच्चों इधर देखो जरा, आपने अभी तो पढ़ा Q is equals to क्या है? NU is equals to क्या है बेटा? Is equals to constant है। तो अब आप यहां पर देखोगे तो अगर आप लिखोगे बेटा इस तरह से, तो जो U होगा वो क्या होगा? सम कांस्टेंट, जो कि बदलेगा नहीं, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? डिवाइडेड बाय U होगा। तो जब U बहुत कम होगा बेटा, जब U कम होगा, जब U बहुत कम होगा, तो मैंने दोनों जगह यू लिख दिया, ठीक है, इसको एन लिखना था एक को बेटा, ठीक है, एक को मुझे एन लिखना है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, एक तरफ मैंने क्या लिखा बेटा? नीचे एन, और एक तरफ मैंने क्या लिखा? यू। जब एन बहुत कम होगा तो यू बहुत ज्यादा होगा बेटा। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर पूछता हूं, उससे आप बात करते, ठीक है, एग्जांपल देकर पूछते बेटा। मैंने यहां पर लिखा है, एक मेरे पास है बेटा केजी और एक मेरे पास है बेटा ग्राम, कौन बड़ा जल्दी से बताओ? केजी और ग्राम में से कौन बड़ा? केजी और ग्राम में से कौन बड़ा? सर केजी बड़ा है। सर केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है, तभी तो हम लिखते हैं ना सर, तभी तो हम लिखते हैं बेटा 1 kg इक्वल टू क्या? 1000 ग्राम लिखते हैं, बोलो हाँ या ना? तभी तो हम लिखते हैं सर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम लिखते हैं।
इसीलिए तो पिछले सवाल में आपने मास को जब रिप्रेजेंट किया तो आपने लिखा कि 5 केजी था, और जब उसको लिखा बेटा तो वो क्या हो गया यहाँ पर 5000 ग्राम हो गया। मतलब कि जब यूनिट छोटी होती है तो नंबर बड़ा होता है, और जब यूनिट बड़ी होती है तो नंबर छोटा होता है। तो बेटा यहां देखो जरा, अगर यूनिट बड़ी है यानी कि यूनिट बहुत ज्यादा है, जब यूनिट यहां पर कहा जा रही है बेटा यूनिट स्टैंडिंग टू, देखो जरा जब यूनिट आपकी जा रही है ऊपर टेंडिंग टू इंफिनिटी, यूनिट अगर बहुत बड़ी है तो नंबर छोटा होगा, लेकिन अगर यूनिट छोटी हो गई, यूनिट की वैल्यू कम होते 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 यूनिट की वैल्यू छोटी हो गई तो नंबर बहुत बढ़ जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी होगा, बी नहीं था। आपको समझ में आया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चमका सभी लोगों को, एवरीवन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, नोट हो गया, चीजें समझ में आ गई, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया बेटा, ग्राफ पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और सवाल करते, देखते जरा कितने लोगों को क्या क्या समझ में आया। एक और एग्जाम्पल बेटा, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। आ जाओ बच्चों जल्दी से एक और एग्जाम्पल को सुनते हैं और समझते हैं। अब मैंने आपसे कहा Identify, अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, आइडेंटिफाई, क्या कह रहा हूं दोस्तों, आइडेंटिफाई ग्राफ बिटवीन क्या बेटा, बिटवीन एन एंड यहां पर एन यू बेटा, एन एंड एन यू, आइडेंटिफाई ग्राफ बिटवीन एन एंड एन यू। मतलब कि ये है कि अगर आप यहां पर ऊपर y एक्सिस पर nu लेंगे और x एक्सिस पर क्या लेंगे बेटा, n लेंगे, अगर यहां पर आपने लिया क्या बेटा nu और यहां पर आप लेंगे n, तो आपको ये बताना है कि सर किस तरह से इसका प्लॉट आने वाला है। अब अपने पास थोड़ी सी सुविधा है, देखो है ना, कट कॉपी पेस्ट करने की, वैसे चीटिंग करना बुरी बात है लेकिन अपन कर लेते हैं, क्या करें, ठीक है, क्या करें, समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, और है ना, यहां पर क्या है बेटा डायग्राम ए, ये क्या हो गया बेटा डायग्राम बी, यहां पर क्या हो गया बेटा डायग्राम आपका सी हो गया, यहां पर क्या हो गया डायग्राम आपका डी हो गया। अब मैं अलग अलग डायग्राम बनाता हूं बेटा, यहां पर मैंने कहा स्ट्रेट लाइन, यहां पर मैंने कहा इस तरह से वेरी करेगा, यहां पर मैंने कहा ऐसे वेरी करेगा, यहां पर मैंने कहा ऐसे वेरी करेगा। अब बताइए जरा कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। एन यू की बात कर रहे हैं हम, इट इज वेरिंग विथ यू बेटा। तो सबसे पहले बताइए एन इंटू यू, हम किसकी बात करें बच्चों, एन इंटू यू की, जल्दी 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 सोचो 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 बेटा, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने, क्यू इज इक्वल टू एन यू होता है, क्यू इज इक्वल टू एन यू होता है, और जब नंबर बदलता है तो यूनिट भी बदल जाती है, यूनिट बदलता है तो नंबर भी बदल जाता है, लेकिन क्वांटिटी तो सेम रहती है ना, एन और यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज नहीं होता। मने की बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो ऑप्शन भी क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ऑप्शन भी कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, ए करेक्ट होगा। समझ आया सभी लोगों को, बोलिए यस और नो। यहां तक अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हो तो चले हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यस एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्यों ऐसा, उसके पीछे का कारण समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, चाहे यहां पर उसने क्या बोला, आइडेंटिफाई ग्राफ बिटवीन एन वर्सेस यहां पर क्या बेटा एन यू, अगर आप यहां पर एन की जगह यू भी लेते ना तो भी कोई चेंज नहीं होता बेटा, तो भी कोई सवाल में चेंज नहीं आता, क्योंकि एन और यू चेंज हो सकते हैं लेकिन एन यू जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फिजिकल क्वांटिटी को। बहुत बढ़िया, तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, सब लोगों को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बच्चों टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसकी बात करते हैं बच्चों, अब हम यहां पर बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए साथियों एक एक करके समझना शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए हमें फिजिक्स में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। फिजिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो देखिए फिजिक्स में अलग अलग चीजें आती गई। सबसे पहले न्यूटन के जमाने में न्यूटन की मैकेनिक्स आई थी बेटा, तो हमारे पास में केवल क्या था, हमारे पास में केवल मैकेनिक्स थी, ठीक है। मैकेनिक्स के बाद में आगे चल के देखा कि आप थर्मल फिजिक्स भी आ गई, बाद में क्या आ गई बेटा थर्मल फिजिक्स भी आ गई, जिसमें टेम्परेचर वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। फिर हमने आगे चल के देखा कि भाई साहब यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आ चुका है, क्या आ चुका है बेटा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आप पढ़ते हैं ना क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीजें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ चुका है। फिर आगे चल के देखा कि भाई यहाँ तो ऑप्टिक्स भी आ चुका है। फिर आगे चल के देखा यार बॉस यहाँ तो मॉडर्न फिजिक्स भी है। हिस्ट्री यहाँ पर लगातार अपडेट होती चली जा रही है, नई नई चीजें डेवलप होती चली जा रही है। सो दीज आर फाइव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स जिसमें आपका एंटायर सिलेबस डिवाइडेड है बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया साइड में ताकि आपको मोटा मोटी ये भी पता चल जाए कि हमें टोटल 5 अलग अलग यूनिट्स पर काम करना है और इन्हीं को हमें मॉड्यूल्स में डिवाइड करके 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बेटा 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम कहते हैं बेस, या फिर इन्हें हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल। क्या कहते हैं बच्चों? बेस, या फिर हम इन्हें कहते हैं फंडामेंटल। बेस या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहते हैं बच्चों? बेस या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, these are the physical quantities which are independent of each other। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा बेटा? सबसे पहला पॉइंट ये होती है इंडिपेंडेंट। ये क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये क्या होती है बेटा? इनफ टू कवर एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स। ये क्या होती है बेटा? ये क्या करती है? कवर करती है, कवर्स एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, कवर्स एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स। मैं समझाता हूं कि कैसे एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स को अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इसको समझिए जरा, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बेस या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनकी मदद से ये बेस या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की जा सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा आपकी परीक्षा नहीं लेते, एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपके पास लेंथ है और आपके पास टाइम है तो आप वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करके। अगर आपके पास लेंथ है, आपके पास टाइम है, तो आप लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर करके एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों ये यूज होती है किस बात के लिए? तो हम लिखेंगे सर यूज्ड टू डिराइव। क्या होगी बच्चों? यूज्ड टू डिराइव, है ना, कौन सी बेटा? यूज्ड टू डिराइव अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है, इसी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें याद है कि कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो चलो वहां पर मैं अभी बाद में आता हूं। दूसरे हम यहां पर शॉर्ट पर बात कर लेते हैं सर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? ये होती है सर हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आप ध्यान से सुनेंगे सर, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या लिखोगे? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहां जो भी क्वांटिटीज हैं उनमें जोड़ तोड़ करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी को बना पाना, और वो जो नई क्वांटिटी बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल से लिखते हैं, एग्जांपल के तौर पर बच्चों, जैसे आपने लिखा वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, आप यहां पर क्या लिखेंगे सर? लेंथ डिवाइडेड बाय क्या? लेंथ डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? टाइम। तो ये क्या हो गई? इस v को हम बोलेंगे सर, ये v डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है ये? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चमका कि नहीं चमका? ठीक है। अब कितने फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं? तो भाई साहब पूरी फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं जो क्या है बेटा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। लेकिन इनके अलावा जो ना फंडामेंटल में आते हैं, ना बेस में आते हैं, ना डिराइव्ड में आते हैं, वो कहलाते हैं यहां पर क्या? किसी को याद है कौन सी बेटा? एक और क्वांटिटीज है जिनका नाम है सप्लीमेंट्री। क्या नाम है बच्चों? नाम है जिनका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं दो एक्सेप्शंस यहां पर। एक आपका क्या है बेटा? ये ना प्लेन एंगल। एक तो आपका क्या है बेटा? प्लेन एंगल।
एक क्या बेटा प्लेन एंगल। कई सारे बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये बात हमें समझ नहीं आई कि सर ये प्लेन एंगल का मतलब क्या है, सर ये सॉलिड एंगल का मतलब क्या है। तो खैर आपको समझाते हैं बेटा कि प्लेन एंगल का मतलब क्या है और सॉलिड एंगल का मतलब क्या है। अभी के लिए बस आप ये समझिए कि दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक तो प्लेन एंगल दूसरा सॉलिड एंगल, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब थोड़े और डिटेल में चलते हैं, राइट? रेडी हैं आप सब लोग? माफ कीजिएगा, रेडी हैं बच्चों? यस, जल्दी बताओ क्या आप सब लोग रेडी हैं? प्लेन एंगल होता है बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस, और सॉलिड एंगल होता है बेटा एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया। जब कोई एरिया किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं, और जब दो लाइनों के बीच का एंगल यहां पर बात कर रहा हो तो उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। अभी डिटेल थोड़ी देर बाद खोलेंगे, लेकिन अभी चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। आइए जरा, हमने फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लिखा है कि ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं और ये एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स को कवर करती है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज FPQ का मतलब ये है, सबसे पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बेटा मास। क्या चीज होती है बेटा? मास क्या चीज होती है, ठीक है? फिर दूसरी बताते चले जाओ, लिखते चले जाओ बेटा, लिखते चले जाओ मास। फिर यहां पर क्या होगा आपका? लेंथ होगा। तीसरे नंबर पर कौन आएगा बच्चों? तीसरे नंबर पर आपका टाइम आ जाएगा। चौथे नंबर पर क्या कौन आ जाएगा बच्चों? चौथे नंबर पर आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। वेरी गुड, चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। सर पांचवे नंबर पर कौन आ जाएगा? पांचवे नंबर पर आ जाएगा सर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। लिखते चले जाए, कौन आ जाएगा बच्चों? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। छठे नंबर पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा क्या आ जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। कहां पर आएगा बच्चों ये जल्दी बताओ, कहां पर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? छठे नंबर पर। सातवें नंबर पर कौन आएगा? तो सातवें नंबर पर आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आ जाता है बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोलो यस और नो एवरीवन, क्या आप में से सभी लोगों को ये चीजें याद थी? अरे वाह, अरे वाह, ये हुई ना बात जरा। चार्ट सेक्शन में मजा भी आ रहा देखने में। अच्छा, सबसे पहले जब केवल मैकेनिक्स यहाँ पर डिफाइंड हुआ था ना बेटा, जब मैकेनिक्स के ही बारे में हमें पता था तो केवल यही तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। केवल मास था, लेंथ था और टाइम था। लेकिन देखा गया कि जब थर्मल फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें टेम्परेचर की बात हो रही है। अब मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को डिफाइन नहीं किया जा पा रहा था। इलेक्ट्रिक करंट को इन तीनों के टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा पा रहा था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को बढ़ाना शुरू किया और ऐसे नेसेसरी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में रखा, जिससे पूरी फिजिक्स के हर एक चैप्टर की, हर एक यूनिट के, हर एक पॉइंट को, हर एक हिस्से को समझा और डिराइव किया जा सके। इसलिए पहले तीन थी बेटा, बाद में बढ़ाकर यहां ये चार फिजिकल क्वांटिटीज और ऐड कर दी गई। इन तीन के बेसिस पर पहले जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था वो भी केवल MKS सिस्टम था बेटा। अभी बताऊंगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी MKS, मास, ठीक है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड बेटा, केवल तीन क्वांटिटीज के टर्म्स में। बाद में SI यूनिट आया, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल बेटा, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्यों जरूरत पड़ी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की? क्योंकि डेवलपमेंट होता चला गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आगे और बहुत कुछ खोज हुई, बहुत कुछ रिसर्च हुआ और उस रिसर्च में पता चला ऑप्टिक्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, उसमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक करंट भी है, पोटेंशियल भी है, रेजिस्टेंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सबको कवर करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, इसलिए संख्या तीन से बढ़कर सात हो गई। ठीक है बेटा, मास को मेजर किसमें किया जाएगा? तो आप यहां पर बोलेंगे सर मास मेजर्ड इन, ठीक है, इसकी जो यूनिट है मैं वो लिख रहा हूं बेटा। यहां पर हम क्या लिखेंगे सर? यूनिट। जो मास है उसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है बेटा किलोग्राम में। किसमें लिखा जाएगा बेटा? यहां पर
किलोग्राम में, अगर मैं राइटिंग यहाँ पर सॉरी अगर मैं स्पेलिंग में मिस्टेक करूं तो मुझे माफ करना, यहाँ पर आई आना चाहिए वैसे, ठीक है। किलोग्राम, लेंथ को अगर हम देखेंगे बेटा तो लेंथ आपका मीटर में आना चाहिए, लेंथ आपका मीटर में आना चाहिए। टाइम की अगर हम बात करें बेटा तो टाइम यहाँ पर मेजर होगा सेकंड में, ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है उसको स्पेल हम करते हैं एम्पियर के नाम से। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो है बच्चों उसको हम लिखेंगे यहाँ पर केल्विन में, क्या लिखेंगे बच्चों, केल्विन में। यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है बच्चों उसको हम लिखते हैं मोल, और यहां पर जो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लिखा जाता है बेटा कैंडेला, इसकी जो यूनिट होती है उसको क्या लिखते हैं बेटा कैंडेला। एवरीवन जैसे इसको किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, ये क्या है, दीज आर यूनिट्स। तो इन्हें हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। इन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, इन यूनिट्स को हम कहेंगे सर फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स। इज दैट क्लियर, सभी लोगों को बात समझ में आ गई, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा, इन यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन, इन यूनिट्स का क्या होगा बेटा रिप्रेजेंटेशन, चलो जरा रिप्रेजेंटेशन भी। तो किलोग्राम को हम केजी में दर्शाते हैं, मीटर को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, सेकंड को हम एस से दर्शाते हैं, एम्पियर को हम ए से दर्शाते हैं बेटा, केल्विन को हम थीटा सॉरी केल्विन को हम के से दर्शाएंगे, केल्विन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा के से, मोल को हम एमओ एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैंडेला को हम सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया, सातों फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के बारे में हर एक बात अच्छे से क्लियर हो जा रही है। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, सर इनके डायमेंशंस क्या चीज होंगे, अब डायमेंशंस क्या होते हैं अभी के लिए बस केवल समझ लो, मैं जो लिख रहा हूं उसे फिर मैं आपको उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। इन्हीं सब चीजों के डायमेंशंस क्या चीज होती है, कैसे होती है, चलो वो भी आपको बताते हैं बेटा। तो जब आप इनके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे तो केजी के लिए लिखा जाएगा बेटा कैपिटल एम, मीटर के लिए लिखा जाएगा बेटा कैपिटल एल, सेकंड के लिए लिखा जाएगा बेटा कैपिटल टी, एम्पियर के लिए तो केवल ए ही रहेगा बेटा, केल्विन के लिए थीटा रहेगा, यहां पर मोल के लिए एमओ एल ही रहेगा, और कैंडेला सीडी के लिए यहां पर सीडी ही रहेगा। तो क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा, दीज आर द डायमेंशन, यानी कि जहां कहीं मास होगा उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां कहीं मीटर होगा उसको हम लेंथ एल से मेजर करेंगे, जहां कहीं टाइम होगा बेटा वहां पर उसको टी से मेजर करेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, एवरीवन जल्दी से बताइए, ठीक है, ठीक है बच्चों। कोई भी अगर परेशानी हो अभी बता दीजिए, आगे बात करते हुए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस एवरीवन जल्दी से, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ू मैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गई हैं, अब एक वर्ड आया है सर डायमेंशन क्या चीज होती है, उन पर हम बात करते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तब तक आप मुझे बताइए कि चीजें क्या है, डायमेंशन क्लियर है क्या, ठीक है, जल्दी से सब कुछ क्लियर, बहुत बढ़िया, चैट लाल हो गई मतलब सब कुछ कमाल हो गया, ठीक है, आगे आइए। अब अगली जो कहानी है बेटा वो है यहां पर डायमेंशन क्या चीज होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें होती है जैसे स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग यहां पर सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे बेटा एमकेएस में मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। एक होता है सीजीएस बेटा, सीजीएस का मतलब होता है यहां पर लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। एक सिस्टम होता है बेटा जिसको एफपीएस कहते हैं, एफपीएस स्टैंड फॉर फुट पाउंड एंड सेकंड, क्या स्टैंड करता है बेटा फुट पाउंड एंड सेकंड। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो लेंथ को हम मेजर करेंगे फुट्स में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और आपका टाइम तो सेकंड्स में मेजर होगा। ये ज्यादातर करके यूके वाला जो बेल्ट है बेटा, यूरोप वाली जो चीजें हैं वहां पर, यूके यूरोप में ज्यादा चलता है एफपीएस सिस्टम, हमारे इंडिया में तो एमकेएस सीजीएस से ही हमारा काम हो जाता है। इन सबसे परे एक चीज है जिसे हम एसआई कहते हैं, जो इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, जो इन सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पर डिफाइंड है बेटा, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यहां पर हम उसे नाम देते हैं बेटा, ठीक है, यस एवरीवन। तो वो सारी चीजें यहां पर आपको जब जरूरत में आएगी तब हम करेंगे, अभी आप लोग हेडी डाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है डायमेंशन। क्या नाम है बच्चों, डायमेंशन। सर क्या चीज होती है डायमेंशन, जरा समझाएं।
सर डायमेंशन क्या चीज होती है जरा समझाएं। सो डायमेंशन को हम क्या कहते हैं लिखिएगा जरा, डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है। पावर ऑफ एम एल एन टी क्या होता है बेटा, डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करेंगे सर, तो पावर ऑफ मास ठीक है, लेंथ पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम टू रिप्रेजेंट, ठीक है, टू एक्सप्रेस ऐसे लिख लीजिए, टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कितना पावर ऑफ मास चाहिए, कितना पावर ऑफ लेंथ चाहिए, कितना पावर ऑफ टाइम चाहिए, वहीं से डायमेंशन आता है बेटा, ठीक है। अब बेसिकली आपने ये देखा अभी देखिए पिछली वाली स्लाइड में कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर मालूम है तो उसको कैसे डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें पता है। जैसे मैं कहूं आपसे केजी तो आप क्या लिखोगे, सीधा उसको लिखोगे कैपिटल एम। जैसे मैं कहूं मीटर तो आप उसको सीधा लिखोगे कैपिटल एल। जैसे मैं कहूं सेकंड आप उसे सीधा लिखोगे कैपिटल टी। तो आपको मालूम है कि किस फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है, मालूम है ना बेटा। तो यहां पर वही बात हो रही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कितने पावर्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम चाहिए, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेड होती है बेटा, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पर क्या होती है सर, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट बेटा, ठीक है। हमेशा किसमें लिखा जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। देखिए जरा स्क्वायर ब्रैकेट ये वाले, ठीक है, इस तरह के ब्रैकेट का यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने बात किया बच्चों वेलोसिटी, करें बात हम वेलोसिटी की, तो जैसे आपने लिखा सर वेलोसिटी, वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होती है बेसिकली लेंथ डिवाइडेड बाय क्या, तो आप लिखेंगे सर लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। वैसे बेसिकली आप लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम मतलब कि लेंथ के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा, कैपिटल एल लिखूंगा। मैं टाइम के लिए क्या लिखूंगा बेटा, कैपिटल टी लिखूंगा। सो टू डिफाइन वेलोसिटी अगर मैं यहां पर बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो मैं कहूंगा मुझे मास की आवश्यकता नहीं है, लेंथ की मुझे एक पावर चाहिए और टी की मुझे पावर माइनस वन चाहिए। इसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन बेटा, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट वी कॉल बेटा, इसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ये कहलाती है आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहलाती है बच्चों, डायमेंशनल इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। बोलो यस और नो, ठीक ठीक समझ में आ गया यहां तक। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए पावर्स ऑफ एम एल और टी, जरूरी नहीं है केवल मास लेंथ और टाइम बेटा, यहां पर पावर्स ऑफ लिखना चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है जिसमें मास लेंथ और टाइम के अलावा इलेक्ट्रिक करंट या फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या फिर ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, उस कंडीशन में फिर बेटा वहां पर एमएलटी के अलावा और भी फैक्टर्स आ जाएंगे। एक बेसिक बात आपको समझ में आए डायमेंशन किसे कहते हैं, एवरीवन नीड योर थम्स अप गाइस जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं आपको समझाते बाकी सारी चीजें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी को अब यहां पर एक तरह से डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट होते हैं। जैसे वेलोसिटी आपने एक और तरीके से समझाते बेटा, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी मेजर्ड इन किस यूनिट में मेजर होती, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड में बेटा, किसमें मेजर होती है, मीटर पर सेकेंड में। तो अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर होती है तो बच्चों आप यहां पर क्या लिखोगे, जैसे आपने लिखा इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, यार बॉस मैं मीटर के लिए क्या लिखूंगा, कैपिटल एल, और मैं सेकंड के लिए क्या लिखूं बेटा, कैपिटल टी। तब भी मुझे पता चल जाता है डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू मास की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, एल वन चाहिए, टी का वैल्यू माइनस वन होगा। यानी कि अगर यूनिट्स मालूम है मुझे किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, तो भी हम उसका डायमेंशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। बोलिए यस और नो एवरीवन, दो तरीके, या तो फॉर्मूला पता हो या फिर यूनिट पता हो, या तो फॉर्मूला पता हो या फिर यूनिट पता हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, चलिए
तो एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से जरा, और सवाल पूछकर सवाल के तह तक उतरते हैं, ठीक है। सवाल पूछते हैं और सवाल के अंदर तक घुसते हैं बेटा, ठीक है। आ जाइए जरा, अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, अब मैं आप लोगों से एक सवाल दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन सवाल के जरिए उसे इंट्रोड्यूस करते हैं जरा, क्योंकि जब तक देखिए क्लास में न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, मजा नहीं आएगा पढ़ने का। तो पढ़ने का मजा तभी है जब चीजों को कोरिलेट करके हम सीखते चले जाए बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिटलेस, ऐसा लिखा बेटा मैंने, अ यूनिटलेस, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विल हैव, अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी विल हैव, मैं बात कर रहा हूं उसके डायमेंशन के बारे में। अगर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं है बेटा, जिसकी कोई यूनिट नहीं है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूनिटलेस, जिसका यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है, क्या वो डायमेंशन लेस होगा? राइट, डायमेंशन लेस क्या होगा बेटा, क्या लिख रहे हैं हम उसको, हम उसको लिख रहे हैं डायमेंशन लेस होगा, या फिर हम उस लिख रहे हैं, ठीक है, मस्ट हैव सम डायमेंशन, क्या लिख रहे हैं बेटा, मस्ट हैव सम डायमेंशन। जल्दी से बताइए क्या होगा, मैं और ऑप्शंस नहीं बनाना चाहता, बस मैंने वन और टू बनाए आपको समझाने के लिए काफी है, जल्दी से बताइए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं है, क्या हम उसे डायमेंशन लेस कहेंगे? डायमेंशन लेस मतलब कि उसको डिफाइन करने के लिए क्या कोई मास, कोई लेंथ, कोई टाइम, कोई करंट, कोई थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर बच्चों यूनिट लेस का मतलब समझते हैं, ठीक है, यूनिट लेस का मतलब समझते हैं। एक एग्जांपल आपको लेते हैं, यूनिट लेस का मतलब है बेटा सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ठीक है, क्या ले रहा हूं बेटा मैं यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। अब ध्यान से सुनिएगा, कई सारे बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आएगा एकदम से कि सर ये डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट क्या बीमारी है। ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का डिस्टेंस के साथ बढ़ना या घटना। बेटा हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, मतलब हम इसको बोलेंगे सर ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट और नीचे भी क्या आएगा बेटा, नीचे भी आएगा यहाँ पर क्या, नीचे भी एक तरह से आपका आएगा यहाँ पर लेंथ बेटा, एक तरह से क्या आ जाएगा, लेंथ ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट भी इज अ टाइप ऑफ लेंथ बेटा, मीटर में ही मेजर होगा और लेंथ भी मीटर में मेजर होगी। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है बच्चों, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैसी आ रही बेटा, ये वैल्यू आ रही है यूनिटनेस। अब अगर इसमें मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट डायमेंशन लेस होगा कि नहीं होगा? ना इसके यूनिट में मास है, ना इसके यूनिट में लेंथ है, ना इसके यूनिट में टाइम है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या नहीं हो बेटा, जिसमें मास नहीं हो, जिसमें लेंथ नहीं हो, जिसमें टाइम नहीं हो, जिसमें कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं यूनिटलेस, साथ ही साथ हम उसे कहते हैं डायमेंशनलेस। तो अगर कोई चीज यूनिटलेस है कोई क्वांटिटी, तो हम उसे डायमेंशनलेस भी कहेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं बच्चों, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं, मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं बेटा, एंगल थीटा। एंगल थीटा जो होता है, एंगल थीटा जो होता है बेटा, ठीक है, एंगल थीटा, एंगल थीटा, अच्छा एक काम करते हैं, चलो एंगल थीटा के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी एंगल थीटा के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी रुको जरा, नहीं तो फिर क्या अगले सवाल का एक्सप्लेनेशन पहले हो जाएगा, अगला सवाल मुझे देना है ना आप लोगों को, इसलिए उसको बचा के रखते हैं। अभी एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताते हैं, चूंकि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है, आप लोगों ने और भी चीजें पढ़ी, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है बेटा, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कोएफिशिएंट, आपने क्लास 9th में पढ़ा है बेटा फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप में से जो बच्चे ड्रॉपर है उन्होंने क्लास किसमें पढ़ा होगा, यहाँ पर पढ़ा होगा उसमें, ये क्लास, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा ये क्या होता है, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, ये क्या होता है बेटा, एक तरह से ये होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, यानी कि ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू कैसा आएगा, ये म्यू आता है बेटा यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है, इसीलिए ये डायमेंशनलेस भी होता है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, यूनिटलेस भी है और साथ ही साथ आपका डायमेंशनलेस। आप लोगों ने क्लास 10th में और पढ़ा है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा है बेटा, आपने क्या पढ़ा है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा है। एक और एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं, आपने इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है क्लास 10th में, जो बच्चे 10th वाले, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो बच्चे क्लास 12th से अभी पास आउट हुए उन्हें भी मालूम है कि बोर्ड्स में हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, राइट, इंडेक्स ऑफ,
इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते बेटा, इसको रिप्रेजेंट कर लेते मान लीजिए एन से, और ये क्या होगा बेटा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडियम। यहां पर भी क्या है बेटा, ऊपर भी क्या है आपका, ऊपर भी मीटर पर सेकंड है, नीचे भी क्या है बेटा स्पीड है मीटर पर सेकंड है। तो ये वाली वैल्यू भी कैसी आएगी, इसका भी कोई यूनिट नहीं है, ये भी कैसा है बेटा, ये भी यूनिट लेस है। यूनिट लेस है तो साथ ही साथ हम इसको क्या लिखेंगे सर, ये यहाँ पर आपका डायमेंशन लेस भी हो गया। क्या हो गया बच्चों, डायमेंशन लेस भी हो गया। सबको समझ में आया? अच्छा, हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये पूछ रहा हो कि सर व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आ जाएगा। आप में से कोई हो सकता है पूछ रहा हो व्हाट इज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इनकी डेफिनेशंस, इनकी यूटिलिटीज पर नहीं जाना है बेटा, बस ये डिफाइन कैसे होते हैं, ये है क्या फोर्स बटा फोर्स, ये है क्या स्पीड बटा स्पीड, बस ये आपको पता होना चाहिए एज ऑफ नाउ में, ठीक है। बाकी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का काम क्या है, कैसे डिफाइंड होता है, क्या करता है, बाकी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या काम है, कैसे डिफाइंड होता है, क्या करता है, ये सारी बातें हम आगे आने वाले दिनों में अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी, पक्की बात है। बोलो यस और नो एवरीवन, सबको चमका शाम को 6 बजे बेटा, डेली क्लास का टाइम है शाम को 6 बजे। अभी पहले हम छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बड़ी इमारत को बनाने के लिए आपको हर दिन कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन थोड़ी थोड़ी दीवारें बनाएंगे, एक दिन बड़ी इमारत बन जाती है, और उसकी नींव बहुत गहरी रखनी पड़ेगी। आप सभी लोगों को नीट में बेहतरीन रैंक लेकर आनी है, आपका टारगेट होगा कि सर 680+690+700+ लाना पड़ेगा। करंट सिनेरियो को देखकर 600 नंबर पर भी एक शंका, एक डाउट मन में हो रहा है कि क्या पता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले या ना मिले, रैंक में इतना उछाल आ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए कंपटीशन को देखकर आप लोगों को मेहनत बहुत बढ़ानी पड़ेगी बेटा। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़ेंगे, इमारत बहुत खूबसूरत होगी और ऊपर शिखर भी चमकीला हम लगा पाएंगे, ठीक है। तब हम आराम से 180 में से 170+180+180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। 180 प्लस तो क्या बेटा 170+, ठीक है। एवरीवन यहां तक चीजें समझ में आ गई सबको, आगे बढ़ू आगे बातें करें और बेटा, ठीक है। चलिए यहां तक सबको बातें समझ में आ गई, किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं लिखना जा रहा हूं उस बात को, ठीक है। अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी अब ऐसे क्वांटिटी की बात हो रही है, अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी विल हैव, ठीक है, विल हैव अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे करके यहां पर लिखते हैं बेटा डैश और ऑप्शंस बनाते हैं। पहला, ठीक है, मस्ट हैव यूनिट्स बेटा, ठीक है। मस्ट हैव क्या लिख रहा हूं बच्चों में, मस्ट हैव यूनिट्स, पहली चीज समझ में आ गई, यूनिट होना बहुत जरूरी है। यहां पर हम लिखेंगे सर मे हैव अ यूनिट बेटा, हो सकता है उसके पास यूनिट हो सकता है उसके पास यूनिट ना हो। ऑप्शन सी मस्ट नॉट हैव, होनी ही नहीं चाहिए, मस्ट नॉट हैव यूनिट बेटा, मस्ट नॉट हैव यूनिट, और डी ऑप्शन यहां पर डाल देते हैं, नन। चार ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, जल्दी से सोच विचार कर जवाब दीजिए, कम ऑन एवरीवन, क्विकली सोचे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, कैसी है बच्चों, कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, जिसके पास डायमेंशन नहीं है, क्या उस क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं हो सकता, या उसका यूनिट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, या उसका यूनिट होना ही नहीं चाहिए, क्या सही जवाब होगा बताइए जरा, कम ऑन एवरीवन। ऑप्शन आ चुके हैं एंड मेनी ऑफ यू आर गिविंग ऑप्शन सी, मेनी ऑफ यू आर गिविंग ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। मैं बताता हूं बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा मे हैव अ यूनिट बेटा। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने अभी कई सारे एग्जाम्पल देखे पिछली वाली स्लाइड में, हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, मतलब डायमेंशंस नहीं है तो यूनिट भी ना हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि
एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें बेटा, विच इज एंगल, जिसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो जिसका यूनिट होता है, बेटा रेडियन, जिसका यूनिट क्या होता है बच्चों, जिसका यूनिट होता है यहाँ पर रेडियन, क्या यूनिट होता है बच्चों, जिसका यूनिट होता है माई डियर फ्रेंड्स रेडियन। और एक बात आपको बता दे बेटा, यूनिट हो गया रेडियन, ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो एंगल है ये होता डायमेंशनलेस है। कैसे, इसको प्रूव करते हैं क्लास सिक्स की कुछ चीजों से बात करते हुए, डायमेंशनलेस कैसे होगा वहां पर आ जाइए। कम ऑन एवरीवन, सो एंगल थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे बच्चों एंगल थीटा इज इक्वल टू, जानते हैं बाय डेफिनेशन ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। बेटा क्या होता है सर, आर्क अपॉन रेडियस होता है। बच्चों एक बात बताओ, आर्क जो है वो भी तो एक तरह से लेंथ ही हुई बेटा, कोई भी अगर हम आर्क मेजर करेंगे तो क्या हुआ, लेंथ ही तो हुआ। रेडियस भी क्या होगा बेटा, लेंथ ही तो होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर लेंथ से लेंथ कट गया, तो यहां पर थीटा कैसा आता है, थीटा को डिफाइन करने के लिए मास नहीं चाहिए, लेंथ नहीं चाहिए और ना ही टाइम चाहिए। तो क्या हम इस थीटा को, डायमेंशन लेस कह सकते हैं, बोलिए यस और नो, कैन वी से दिस थीटा डायमेंशन लेस एवरीवन। लेकिन इसकी यूनिट तो है बच्चों, इसकी यूनिट तो है रेडियन। प्लेन एंगल की तरह ही अगर आप सॉलिड एंगल की बात करोगे तो उसकी भी यूनिट है बेटा स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल भी किसमें होता है बच्चों, स्टे रेडियन में होता है, और वो होता है एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। उसका भी यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन, लेकिन वो भी डायमेंशनल ले, यहां पर जो है डायमेंशन लेस होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डायमेंशन अगर जीरो है तो फिर यूनिट भी नहीं होगी, हो भी सकती है, ये आपको बता लगाना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है तो पक्का उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है एवरीवन, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है बेटा। इफ वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, हैविंग नो डायमेंशन, इट मे हैव यूनिट बेटा। If we have a physical quantity having no unit, it will have no dimension for sure. Unit नहीं है, dimension नहीं होगा, पक्की बात है। लेकिन dimension नहीं है तो unit हो भी सकता है। दगाबाजी का ध्यान रखे कि किसको दिया है, किसका पूछा है। ठीक है बच्चों, yes or no? अगर क्लियर हो गया है, बार बार मैं चीजों को दोहरा चुका हूं, चैट सेक्शन लाल कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम नई कहानियों की तरफ। ठीक है बच्चों, अब डायमेंशन में बहुत सारी चीजें हैं तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एकदम बेसिक से बातें बताते हुए डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम कर सकते हैं, चलिए वहां पर आते हैं क्विकली। यस एवरीवन, चलो आओ बेटा, कुछ कुछ चीजें है ना, डायमेंशन ऑफ सम बेसिक थिंग्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, बेटा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर लेंथ की, मैं बात कर रहा हूँ बेटा मैं लेंथ को मेजर करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर विड्थ को मेजर करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर अगर मैं हाइट की बात करूंगा, मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पर किसकी, चलिए बताइए, मैं बात करता हूँ यहाँ पर और क्या क्या चीजें हो सकती है बेटा, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा डिस्टेंस की, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, और क्या बात हो सकती है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ रेडियस की, मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, रेडियस की, मैं बात कर रहा हूँ बेटा आर्क लेंथ की। समझिए, मैं ये सारी चीजों को जब डिफाइन कर रहा हूं, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि सर लेंथ भी तो लेंथ है, विड्थ भी तो विड्थ है, विड्थ भी तो लेंथ ही मेजर होगा, हाइट भी लेंथ में मेजर होगा, डिस्टेंस भी लेंथ में मेजर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ में मेजर होगा, रेडियस भी लेंथ में मेजर होगा, और आपका आर्क लेंथ भी उसी में मेजर होगा। क्या हम कह सकते हैं कि ये सभी की सभी चीजें एक तरह से लेंथ ही को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर ये सभी चीजें लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, इन सब का ही डायमेंशन एल होगा, बोलो यस और नो, इन सब का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, इन सब का डायमेंशन एल होगा। ठीक, डायमीटर हो, रेडियस हो, ठीक है, सर्कमफेरेंस हो, पेरीमीटर हो, ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, आर्क लेंथ हो, लेंथ हो, विड्थ हो, ये सारी चीजें, ये सब कुछ क्या है, टाइप ऑफ लेंथ। सबका यूनिट लेंथ की यूनिट में होगा, इसलिए सबका डायमेंशन एल होगा। दुनिया में वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका रिप्रेजेंटेशन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यानी कि लेंथ की यूनिट में होगा, उन सबका ही डायमेंशनल जो है बेटा रिप्रेजेंटेशन वो कैपिटल एल से होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ चीजें होती बेटा जिसे कॉन्स्टेंट हो गए, जैसे कॉन्स्टेंट हो गया बेटा 2, जैसे कॉन्स्टेंट हो गया बेटा 5, जैसे
कांस्टेंट हो जाए बेटा यहां पर मान लीजिए 100, जैसे कांस्टेंट हो जाए बेटा e, ये सारी की सारी चीजें, जैसे कांस्टेंट हो जाए बेटा मान लीजिए log of 2, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं बेटा, यार 2 को डिफाइन करने के लिए कौन सा मास चाहिए, पाई को डिफाइन करने के लिए कौन सा मास चाहिए, 100 को डिफाइन करने के लिए कौन सा मास चाहिए, e को डिफाइन करने के लिए कौन सा मास चाहिए, log 2 को डिफाइन करने के लिए कौन सा मास चाहिए। बेसिकली कुछ बच्चों को अगर यहाँ पर ई नहीं मालूम है, इसको एक्सपोनेंशियल यहाँ पर जो है कहते हैं बेटा, और ये जो है इसकी वैल्यू होती 2.718 बेटा, ये नंबर आप याद रखे चाहे तो, ये नंबर आप याद रखे काम आता है कई बार बेटा। तो ये सभी की सभी चीजें हैव नो डायमेंशन बेटा, ना इनमें मास चाहिए, ना इनमें लेंथ चाहिए, और ना इनको डिफाइन करने के लिए कोई टाइम चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्स्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कॉन्स्टेंट है विच इज नॉट बेस्ट ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, से देख करके आप तो पढ़ते खोले चले जा रहे हो बेटा, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट कौन से, 2 पाई 100 50 10 20 50 इस तरह की चीजें कांस्टेंट है, दीज आर नॉट डिपेंड ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 है यार आज भी कल भी परसों भी हमेशा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो साइंटिस्ट डिराइव करते हैं, तो फिर हर कांस्टेंट का, एवरी कॉन्स्टेंट इज डायमेंशनलेस, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेटा यहां पर एक नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक नोट पॉइंट हम ये लिखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ कॉन्स्टेंट, अगर कोई कॉन्स्टेंट है बेटा, क्या चीज है, कोई चीज कॉन्स्टेंट है, तो वो यहां पर हो सकता है कॉन्स्टेंट अगर है तो डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो डायमेंशन के बारे में आप क्या बोलेंगे, उसके डायमेंशन के बारे में मैं अगर आपसे पूछूंगा डायमेंशन, तो आप जवाब देंगे कि सर उसका डायमेंशन मैं और मैं नॉट भी, क्या लिख सकते हैं सर, हो भी सकता है मैं और मैं नॉट भी, ध्यान से सुनो, मैं और मैं नॉट भी, मीनिंग समझाते हैं, हो सकता है आपको ये लगा हो कि सर ये पता नहीं क्या हो गया, ये चीजें कैसे हो गई, समझ में नहीं आ रही है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की, यार वो कांस्टेंट कौन हो सकता है, वो कांस्टेंट 2 हो सकता है, वो कांस्टेंट पाई हो सकता है, वो कांस्टेंट कूलम्बिक कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो सकता है, वो कांस्टेंट बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, वो कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट हो सकता है। तो बेटा अगर कांस्टेंट है तो डायमेंशन उसका हमेशा जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, एवरीवन क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट 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 बच्चों, मैंने क्या कहा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट का मतलब वो डायमेंशन लेस ही होगा बेटा, देयर आर मेनी कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशन होंगे, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, आप बात करेंगे बेटा तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद में अगर आप बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके डेफिनेटली डायमेंशन होते हैं बेटा, तो कॉन्स्टेंट होकर भी डायमेंशन हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते, तो वो कॉन्स्टेंट जो किसी फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिराइव नहीं होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिराइव होते हैं उनके लिए फिर हमें डायमेंशंस के बारे में बात करना पड़ेगा। चलिए आइए जरा चीजें समझाते हैं आपको एक एक करके डिटेल में बेटा, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर हाउ टू डिराइव डायमेंशन, ये तो हमने समझ लिया कि बेसिक्स क्या है, हाउ टू डिराइव डायमेंशन पर चर्चा करते हैं, यस एवरीवन आ जाइए जरा, तो आपसे बात करते हैं सर हाउ टू डिराइव, है ना, यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, हाउ टू डिराइव डायमेंशन, किस तरह से डायमेंशंस को डिराइव किया जा सकता है, उसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा, ठीक है, कैसे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको गिवन है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एंड यू वॉन्ट कि हमें उसका डायमेंशन पता चल जाए, क्योंकि यही तो इस चैप्टर में काम होगा, आपको उलझुल फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी, दिया जाएगा बताइए रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, बताइए इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। अब आप सोचोगे यार ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और जब ये पढ़ा नहीं तो इनके बारे में हम कुछ जानते नहीं, और जब इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम डिराइव करेंगे कैसे और करेंगे क्या।
लेकिन कोई बात नहीं, आप माही भैया की क्लास में है, आप शून्य से नीट तक की क्लास में है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा आज या कल के लेक्चर में, देखते हैं कितना समय हमारे पास बचा है, उसके बेसिस पर आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डिराइव करना सीख जाएंगे बेटा। तो यहां पर बात हो रही है हाउ टू डिराइव डायमेंशन, एग्जांपल लेते, चलिए मैं आपसे पूछता हूं डायमेंशन ऑफ, मैंने आपसे पूछा बेटा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम यहां पर क्या होगा, बेटा मैं क्या बोल रहा हूं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अच्छा दो बातें हैं, एक तो यहां पर हम कैसे जा सकते हैं वॉल्यूम क्या, अगर आपको डायमेंशन निकालना है, दो तरीके बेटा। पहला तरीका तो ये कि फॉर्मूला वाइज जाएंगे बेटा, पहला तरीका ये कहां जाएंगे सर हम, फॉर्मूला वाइज जाएंगे, ठीक है चलो फॉर्मूला। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा वॉल्यूम की, और मैं बोल रहा हूं कि पहला तरीका है फॉर्मूला वाइज, वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब बच्चों के दिमाग में अलग अलग बात आएगी, सर वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर क्यूबॉइड का लिख सकता हूँ, वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर क्यूबॉइड का लिख सकता हूँ, वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर क्यूब का लिख सकता हूँ, वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बेटा स्फीयर का लिख सकता हूँ, वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर सिलेंडर का लिख सकता हूँ भाई, ठीक है वॉल्यूम तो मैं यहाँ पर, बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर हम कोन का भी लिख सकते हैं, ठीक है अलग अलग चीजों के लिख सकते हैं। क्यूबॉइड का लिखेंगे तो क्यूबॉइड के केस में लिखेंगे सर लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है सर फॉर्मूला। कोन के क्यूब के केस में लिखेंगे तो सर लिखेंगे ए क्यूब होता है सर। यहां पर स्फीयर के केस में लिखेंगे बेटा तो स्फीयर के केस में होता है सर यहां पर 4/3, ये क्या हो जाएगा पाई रेडियस का होल क्यूब। सर जब हम सिलेंडर के केस में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा जल्दी से बताइए, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सिलेंडर के केस में क्या हो जाएगा सर, सिलेंडर के केस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सर जब हम कोन के केस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यार बॉस फॉर्मूले तो बहुत सारे हो गए, वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर्मूला वाइज। पहली मेथड है जिसमें अलग अलग चीजें हमारे दिमाग में, क्यूब आया, क्यूबॉइड आया, उसके बाद में स्फीयर आया, सिलेंडर आया, उसके बाद में अलग अलग चीजें आई और उनके सबके फॉर्मूला अलग अलग है। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि लेंथ भी मीटर में मेजर होती है, विड्थ भी मीटर में मेजर होती है, और हाइट भी मीटर में ही मेजर होगा। बोलिए यस और नो एवरीवन, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, ठीक है यहां पर ये सारी चीजें ये किसमें मेजर होती है, मीटर में। मीटर किसका यूनिट है बेटा, लेंथ का यूनिट है। मीटर किसका यूनिट है बच्चों, लेंथ का यूनिट है। सभी लोग बताइए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इसको भी अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो आई मस्ट से मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करूंगा, यार मैं एज लेंथ को भी मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करूंगा, बॉस में यहां पर 4/3 और पाई ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है तो केवल बचा मेरा रेडियस का क्यूब, उसको भी मैं मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करूंगा। बेटा पाई मेरा कांस्टेंट हो गया, आर और एच इसको भी मैं मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करूंगा। बेटा जी 1/3 पाई ये भी मेरा कांस्टेंट हो गया, क्या मैं बाकी चीजों को मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करूंगा। ये सभी अगर मीटर क्यूब है, ये सभी अगर मीटर क्यूब है तो यहां पर चाहे आप फॉर्मूला क्यूबॉइड का लो, आप क्यूब का लो, स्फीयर का लो, सिलेंडर का लो, कोन का लो, फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम के डायमेंशन की जब बात हो रही है तो ये आएगा आपका एल का क्यूब बेटा, क्योंकि ये मीटर का क्यूब है। क्या आएगा बच्चों, एल का क्यूब आएगा। हाँ या ना, सभी लोगों को बात समझ में आई, कम ऑन एवरीवन, क्लैरिटी है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें डायमेंशन डिफाइन करना है उसका कोई भी फॉर्मूला दिमाग में आ जाए हमारा काम आसान हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला एक्स वाई जी, कोई भी फॉर्मूला दिमाग में आ जाए हम उसका आंसर बहुत आराम से इत्मीनान से बना लेंगे। बोलो यस और नो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, पर फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड मेथड क्या है बेटा, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं उसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, और जो वॉल्यूम होता है उसका जो यूनिट है बेटा वो तो मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब मतलब क्या होगा, सीधा सीधा पता चल जाता है बेटा, यहाँ झंझट कम है। अरे ये बहुत आसान है, ये और भी आसान चीज हो जाती है अगर आपको यूनिट पता है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट पता है ना तो काम आसान हो जाता है। लेकिन चक्कर कहां पड़ता है, कई बार यूनिट भी नहीं पता होती, कई बार फॉर्मूला भी नहीं पता होता। तो अब आपको एक बात मैं बता देता हूं
कि जैसे जैसे आप पूरी फिजिक्स को कवर करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखने मिलेगा। जब आप क्लास 12th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगी, मैग्नेटिक फोर्स पता चलेगा। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट पता चलेगा। जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी पता चलेगा। तो जब जिस चैप्टर में जो आएगा उसके बारे में आपको पता चलेगा, उसके फॉर्मूले भी आपको कंठस्थ होते चले जाएंगे, याद होते चले जाएंगे, तो तब आपको ये चैप्टर और आसान लगेगा। अभी के लिए हो सकता है, सर ये कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या है, सर ये परमिएबिलिटी क्या है, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, ये उलझुल सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे। लेकिन इन सवालों को हमें उन क्या वाली चीज से बाहर निकलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे टुवर्ड्स द एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स, आपको ऑटोमेटिकली सभी चीजें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। तो अभी के तौर पर आप क्या समझ गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में आया। अगर हमें यूनिट याद है तो हम यूनिट से प्रेफर करेंगे, अगर यूनिट नहीं याद है हम फॉर्मूले से प्रेफर करेंगे, और अगर हमें फॉर्मूला भी नहीं याद है, यूनिट भी नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, हम फिर क्या करेंगे, हम बुक के पन्ने पलटाएंगे, हम रेफर कर लेंगे, अच्छा इसका डायमेंशन ये होता है, इन केस अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायर लग जाए तो। बेटा वैसे मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको सिखा दूंगा, और अगर आपने उन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को बस याद कर लिया तो बेटा मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के क्वेश्चंस क्विकली होने लगेंगे। ठीक है, यस एवरीवन। हां जी, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो इतनी बात तो समझ में आई गई कम से कम। ठीक है, तो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। आपसे पूछा कि चलिए फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। बेटा क्या बोला आपसे किसी ने, आपसे किसी ने कहा कि फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। बेटा क्या कहा बेटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ किसका बच्चों, डायमेंशन ऑफ फोर्स। यार अब जैसे ही आपने फोर्स के बारे में सुना, अब आगे बढ़े तो आप यहां पर पहला तो फॉर्मूला मेथड जा रहे, कैसे जा रहे बच्चों, पहला हम फॉर्मूला मेथड ही चलेंगे। कैसे चलेंगे बच्चों, फॉर्मूला मेथड। एंड सिंस फोर्स बहुत कॉमन टर्म है, फोर्स बहुत कॉमन टर्म है बेटा, तो फोर्स के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी बच्चों को मालूम है कि फोर्स क्या होता है बेटा। तो फोर्स के बारे में सबके दिमाग में पहली चीज आती है, सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। क्या आएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूले में मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन में यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, मास और एक्सीलरेशन। बेटा अगर आप मास के बारे में बात करोगे तो मास क्या है, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो है नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन के लिए इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ना पड़ेगा। कब तक तोड़ेंगे, जब तक ये फंडामेंटल का रूप धारण नहीं कर लेता। मतलब एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरा देखो, तुम्हारा मास यहां पर फंडामेंटल है, टाइम तुम्हारा फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी तुम्हारी फंडामेंटल नहीं है। इस वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से ब्रेक किया बेटा, अब आगे बढ़े, ये हो गया फोर्स, यहां पर हो गया मास। वेलोसिटी को क्या लिखा बेटा, एल डिवाइडेड बाय टी, एक टी पहले से था, तो यहां पर आपने लिखा बेटा फोर्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका मास एम, यहां पर ये हो गया बेटा एल, और नीचे क्या हो गया, टी का स्क्वायर हो गया। तो ये जो फोर्स है इसको डिफाइन करने के लिए आपको चाहिएगा एक मास की पावर, एक लेंथ की पावर, और टी की पावर आपको चाहिए पड़ेगा बेटा माइनस टू। बोलो यस और नो एवरीवन, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या करना है, क्या करना है, क्या सिखाया, सर फिजिकल क्वांटिटीज को चेक करना है, कौन सी फंडामेंटल है उसे छोड़ दो, जो फंडामेंटल नहीं है उसे पकड़कर तोड़ते जाओ। कब तक तोड़ोगे, जब तक फंडामेंटल तक नहीं पहुंच जाते। जैसे एक्सलरेशन को तोड़ा वेलोसिटी बाय टाइम में, फिर वेलोसिटी को तोड़ा लेंथ बाय टाइम में। अब देखो मास, लेंथ और टाइम तीनों फंडामेंटल है, अपन है सुकून से बैठ गए और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव हो गया मास एम एल टी टू द पावर माइनस। तो अब ये याद रखना है बेटा, है ना, जब भी काम पड़ेगा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, आप बोलोगे एम एल टी टू द पावर माइनस टू। क्या बोलोगे बेटा, एम एल टी टू द पावर माइनस टू।
अच्छा सेकंड मेथड भी बता देते बेटा आपको। सेकंड मेथड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यूनिट मेथड। क्या बच्चों? यूनिट मेथड। अब देखो जरा यूनिट मेथड के बारे में चलते हैं। यूनिट मेथड जो होती है तो हमें किसका डिफाइन करना बेटा, हमें फोर्स का डिफाइन करना। जो फोर्स है उसकी जो यूनिट होती है बेटा, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। कौन होती है बेटा? न्यूटन। न्यूटन बाबा है ना हमारे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में जिन्होंने बात करी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिन्होंने लिखा, मोस्ट ऑफ द चीज जिसमें फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में जो कुछ भी है उसमें न्यूटन बाबा के अहम रोल रहे हैं बेटा, वो न्यूटन बाबा। तो उनको ऑनर करने के लिए हमने फोर्स का यूनिट क्या रखा? न्यूटन रखा। अच्छा आप जानते हो न्यूटन बेसिकली क्या होता है? न्यूटन बेसिकली होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मेजर होता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अरे वाह, केजी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? केजी तो रिप्रेजेंट किया जाता है एम में, सर स्मॉल एम तो प्रेजेंट किया जाता है एल में, और सेकेंड तो प्रेजेंट किया जाता है बेटा टी के स्क्वायर में। माने कि यहां से जो फोर्स है उसका डायमेंशन आ जाएगा सर एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। अरे वाह, अरे ये भी देखो कितना आसान है, कितना आसान है। अगर यूनिट पता है तो मेरा सजेशन है यूनिट से चलेंगे। अगर यूनिट पता है तो मेरा सजेशन है यूनिट से चलेंगे। यूनिट नहीं पता तो फिर हम ये वाली मेथड को यूज करेंगे। थोड़ी लंबी पड़ती है, वो आसान पड़ती है। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई सब लोगों को? एवरीवन बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और हैं जिनके बारे में बात करते हैं, जैसे चलिए आइए आइए आगे बढ़ते बेटा। नोट हो चुका है एवरीवन? हाँ वो बात थी ना, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। इसे थोड़ा चेंज करते हैं, मोहब्बत बरसा देना तू कॉन्सेप्ट आया है, तेरे और मेरे मिलने का सही ये मौका आया है। हाँ? समझ में आया ना? बहुत आसान है फिजिक्स, इतनी ही आसान है फिजिक्स, बस देखने का प्रस्पेक्टिव सही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम नजरिया बदलो, अपने आप नजारा बदल सकता है। एक आधा गिलास पानी से भरा है, किसी को वो आधा भरा, किसी को वो आधा खाली, किसी को वो पूरा भरा नजर आ सकता है। बस वो पूरा भरा वाला कहेगा पानी से भरा है आधा, आधा हवा से भरा है। प्रस्पेक्टिव चेंज करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए आइए, फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है, डायमेंशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, ठीक है। डायमेंशन किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे सर यहां पर डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, और ये आपको याद रखने हैं सब के बारे में, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर पहला वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा? वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी मेजर किया जाता है बेटा मीटर पर सेकंड में। अरे वाह, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया सर? ऊपर एल नीचे टी, इसका मतलब सर इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा सर वी इज इक्वल टू यहाँ पर एम जीरो एल वन और टी टू दी पावर माइनस वन होगा। अरे वाह, ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई। चलो दूसरा, यहाँ पर आपको एक्सलरेशन के बारे में बताना चाहिए। एक्सलरेशन की यूनिट क्या बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर? ऊपर एल नीचे क्या होगा? टी का स्क्वायर। मतलब कि इसका डायमेंशन क्या होगा? एक्सलरेशन का डायमेंशन होगा सर। इसको भी डिफाइन करने के लिए मास नहीं चाहिए, लेंथ एक चाहिए और टाइम की पावर माइनस टू चाहिए। अरे वाह, ठीक है। फिर आगे बढ़े आपसे पूछा, बताइए फोर्स फोर्स क्या होता है सर? फोर्स होता है न्यूटन में, न्यूटन होता है सर केजी, न्यूटन होता है सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और अभी तो आपने हमें फोर्स का बता दिया ना, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए एम एल टी टू दी पावर माइनस टू चलेगा, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू आप डायरेक्ट लिख लीजिए। बोलो यस और नो एवरीवन? छोटी छोटी चीजें हैं, लिखते चले जाए, समझते चले जाए। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े तो किसी ने हमसे कहा कि चलिए डायमेंशन ऑफ प्रेशर बताइए, डायमेंशन ऑफ क्या बताइए? प्रेशर बताइए। हमने कहा अच्छा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो होता है सर फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा तो यहाँ पर जो है फोर्स के लिए क्या लिखेंगे सर? एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, और एरिया के लिए क्या लिखेंगे बेटा? एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है मास तो एज इट इज एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। अच्छा ऐसे बनाते हैं क्या?
ऐसे बनाते हैं क्या? प्रेशर, इसकी बात हो रही बेटा प्रेशर की, क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर की भी अगर यूनिट पता हो विच इज पास्कल, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहां से भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन ज्यादा आसान क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन मालूम है, एरिया की डायमेंशन मालूम है, डायरेक्ट लिख लिया बेटा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हम बात करते बेटा, मोमेंटम किसकी बात करते बच्चों, मोमेंटम ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते बेटा, मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड बाय पी, लेकिन पी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा मतलब ये है सर कि मोमेंटम की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा मास और दूसरा आएगा वेलोसिटी बेटा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास भी होगा, एक एल भी होगा और एक टी माइनस वन भी होगा, ये आ गया आपका मोमेंटम। ये क्या आ गया बेटा, आपका मोमेंटम आ गया। अच्छा बच्चों एक काम और करते हैं, क्या आप यहां पर देखेंगे तो मैं लिख रहा हूं बेटा वर्क हो चाहे आपका एनर्जी हो, वर्क हो चाहे आपका एनर्जी हो चाहे फिर आपका टॉर्क हो, वर्क हो एनर्जी हो चाहे फिर आपका टॉर्क हो, ये सभी डिफाइन होते हैं बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक है। एवरीवन ऐसे ही डिफाइन होंगे न्यूटन इनटू मीटर की यूनिट में बेटा। इन सबके लिए यूनिट क्या होगी, इन सबके लिए यूनिट होगी बेटा न्यूटन इनटू मीटर, इन सबके लिए यूनिट होगी बेटा न्यूटन इनटू मीटर। तो आप जानते हैं सर इन सबका डायमेंशन क्या आएगा, इन सबका डायमेंशन आएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। अब आपका मन एक बात सोच रहा होगा वो ये कि सर फिजिकल क्वांटिटी में जो वर्क है, जो एनर्जी है, जो टॉर्क है, इन तीनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो अलग अलग है। बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इन तीनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है, लेकिन बेटा हमारे पास केवल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी होने की वजह से एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीपल सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। बात यूं है कि यहां पर देखिए वर्क एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन सेम हो सकता है, ऐसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन सिमिलर आएगा, क्योंकि केवल 7 क्वांटिटीज से आपको बहुत सारी क्वांटिटीज डिफाइन करनी है तो डायमेंशन तो मैच कर जाएंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस सबका अलग अलग है, वर्क की अपनी एक कहानी है, एनर्जी की अपनी एक कहानी है, टॉर्क की अपनी एक फिजिकल कहानी है, लेकिन इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। बात समझ में आई सभी लोगों को, एवरीवन यस और नो? अरे वाह मस्त, एकदम देखो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला यहां पर क्या हो गया 6 बेटा, 7th नंबर पर बात करते हैं, 7th नंबर पर बात करते हैं सर एंगुलर मोमेंटम। किसके बात करते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो डिफाइन होता है बेटा एल से, और ये होता है बेसिकली आपका मोमेंटम इनटू में यहां पर डिस्टेंस बेटा, ठीक है। तो मोमेंटम इनटू में आर मतलब यहां पर क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली। तो ये होता है एम बी आर। अब मोमेंटम को तो आप जानते हैं सर, मोमेंटम के लिए डेफिनेशन क्या है सर, मोमेंटम के लिए हो जाएगा सर एम एल, यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर और टी माइनस वन होगा। तो दिख रहा है सभी लोगों को एवरीवन, क्या ये बात समझ में आ रही है सर, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होगा। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कैसे निकाला जाए, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, यस और नो, कम ऑन टेल मी। अच्छा एक और बात करते बेटा नेक्स्ट वन के बारे में बात करते हैं, विच इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम के बाद अगर हम नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं सर डेंसिटी। जब आप डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो डेंसिटी में क्या चीज होगी सर, डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रो। डेंसिटी क्या होती बेटा, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं सर, ये होता है आपका मास पर यूनिट क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। बस मास जो है ना उसके लिए तो m होगा लेकिन वॉल्यूम के लिए l क्यूब होगा। तो जो डेंसिटी है उसके अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो m की पावर 1 l की पावर माइनस 3, लेकिन इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए t की पावर 0 होगा। तो आपको डेंसिटी भी समझ में आ जाती है, बोलो यस और नो एवरीवन, डेंसिटी भी क्लियर हो जाती है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, बस उन्हीं छोटी छोटी बातों को कोरिलेट करके आगे सीखते चले जाना है, बातें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है Everyone, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बारे में लिखना हम शुरू करेंगे तो शुरू से आखिर तक मतलब आप लिखते चले जाएंगे, 100+ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, ठीक है। तो अब
आज हम लेक्चर यहीं तक रखेंगे, अब कल की क्लास में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। ये जो मैंने अभी आपको बेसिक लिख कर बताया है, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है, पावर 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 पावर, एक और मुझे ध्यान आई है, पावर 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 क्या होता है बेटा, पावर क्या चीज होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम बेटा। वर्क डन तो होता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस यहाँ पर किसमें बेटा टू में, लेकिन नीचे टाइम के लिए एक एक्स्ट्रा टी आ जाएगा, तो जो आपका पावर है, जो आपका पावर है बेटा, पावर का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर और टी टू दी पावर क्या आ जाएगा सर, माइनस का थ्री आ जाएगा, बोलो यस और नो एवरीवन। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बता दूं, जिसे चाहे तो आप नोट करके लिख लेना, पहली तो ये कि ये सारे डायमेंशन आपको याद होने चाहिए जो स्क्रीन पर लिखे हैं, ये सारे डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, बोलिए यस और नो एवरीवन क्विकली, प्रॉमिस करके जाइए कि यस सर कल जब हम क्लास में आएंगे, एक तो दो काम आप करेंगे, कल की क्लास में ये पेज आप साथ में लेकर बैठोगे, ये पेज आप साथ में लेकर बैठोगे, जो पेज अभी आपने लिखा है अलग से लिख लेना इनको, ठीक है, और साथ में खुला हुआ होना चाहिए जब मैं कल चीजें शुरू करूंगा तब, ठीक है। उसके बाद बेटा हम जब जब जैसे जैसे जिन जिन चीजों को डिराइव करेंगे वहां पर आपको समझना है, इसमें कुछ कुछ क्वांटिटीज और मैं बढ़ाता हूं जिससे और काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लास टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, बेटा आगे आ जाइए, क्लास टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट जरा देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि सर वो होता है I is equals to rate of flow of charge बेटा Q divided by T, जहां से मैं Q को क्या लिख सकता बेटा चार्ज, और चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज हो जाएगा करंट इनटू में T, चार्ज मेजर्ड होता है बेटा कूलम्ब में, तो जहां कहीं वन कूलम्ब होगा उसको हम लिखेंगे, वो होगा वन एम्पियर इनटू में क्या बेटा यहाँ पर वन टी के बराबर, यदि कि हम क्या लिखेंगे जो सी है उसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एटी लिख सकते हैं, यानी कि चार्ज को हम एटी से रिप्लेस करेंगे बेटा, हम चार्ज को किससे रिप्लेस करेंगे, AT से रिप्लेस करेंगे। तो अब अगर आपको ये जो क्वांटिटीज मैंने यहां पे लिखाई है बेटा, ये जो नाइन क्वांटिटीज और उसके अलावा टेंथ क्वांटिटीज, उसके अलावा टेंथ क्वांटिटीज विच इज Q, विच इज क्या है बेटा, विच इज चार्ज, वो क्या है बच्चों, वो चार्ज है आपका, और चार्ज यहां पर किस में मेजर किया जाएगा, A इंटू T में मेजर किया जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम। अगर इतना आपको याद है जो स्क्रीन पे लिखा है, मैं आपसे लगभग लगभग फिजिक्स का हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन डिराइव करवा दूंगा बेटा, तो कल की क्लास में हम डायमेंशंस को ही बस डिराइव करना सीखेंगे, आज की क्लास में इतना काफी है, तो ये पूरा का पूरा पेज आप अलग से लिखेंगे, अलग से नोट करेंगे और आपके पास इसे आप ओपन करके रखेंगे, आप इसे याद भी करेंगे बेटा, ठीक है। एवरीवन यहां तक सबको समझ में आया, इज दैट क्लियर बच्चों, सारी बातें सारी चीजें क्लियर है, so this is all from my side, thank you so much, love you all, wish you all the very best। अब एक बहुत important बात अब आप लोगों को और बता देता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे चीजें आपके लिए बहुत आसान है बेटा, हम लोग YouTube पर तो इतनी तसल्ली से इतनी शिद्दत से आपको पढ़ा ही रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं बेटा हमारा प्यारा सा अग्नि बैच, ठीक है, ओपन ही नहीं हो रहा, बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अग्नि बैच है, कामयाबी बैच है बेटा, नर्चर प्रो बैच है, ठीक है, और नीट यूजी के लिए ये तीन ऐसे बैचेस है जिसमें कंट्री के टॉप एजुकेटर्स आपको बेस्ट तरीके से सारी चीजें पढ़ा रहे, तो मैं लिख देता हूँ बेटा कौन कौन सी बैचेस है आपके पास, अग्नि बैच है, आपके पास कामयाबी बैच है बेटा, ठीक है, आपके पास अग्नि बैच है, आपके पास कामयाबी बैच है, और आपके पास है बेटा नर्चर प्रो, ठीक है, तो ये तीन बैचेस हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है, कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज है, नीट जैसे एग्जामिनेशन में बेहतर रैंक लाने के लिए आपको चाहिए बेस्ट कॉन्टेंट, जो ऑफकोर्स आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से मिलता है, सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ एक जगह कनेक्ट होकर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, तो बेस्ट कंटेंट आपको मिल गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ऐसे क्लास इलस्ट्रेशंस
जिनको सुनकर समझकर जिनको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर हो जाता है, जिसे आज की क्लास में हम लोगों ने किया। एक एक टॉपिक को जब हम पढ़ते चले जा रहे थे, कनेक्टेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे, जिससे हमें ये समझ आ रहा था अच्छा क्यू इज इक्वल टू एन यू है क्या, यू को चेंज करेंगे तो एन के साथ क्या होगा, एन को चेंज करेंगे तो यू के साथ क्या कहानी हो रही होगी, छोटी यूनिट है तो एन क्या होगा, छोटा एन है तो यू क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी बेटा। ठीक है, तो इन सभी बेचेस में आपको यही जो है चीजें बताई जा रही है। अग्नि बेच में आपको आपकी ड्रीम असीम टीम मिल जाती है बेटा, तीन तरह के यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं बेटा। एक आपको मिलता है ओनली बेच, जिसमें आपको एक सिंगल बेच का एक्सेस होता है जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, मात्र 13,000 रुपए में ये आपको मिल जाएगा यूजिंग कोड MS Live। अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में हम 170 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं भैया, आपकी मेंटरशिप में रहकर बहुत अच्छे से तैयारी करने का मन है, जितने भी बच्चे विश्वास प्रो आरंभ रीलोडेड में पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कितना गजब तरीके से यहां पर चीजें पढ़ाई जा रही हैं। फिर तीसरा आता, दूसरा आता बेटा प्लस, जिसमें सारे टीचर्स का कंप्लीट एक्सेस आपको मिल जाता है। दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 28K बेटा, ठीक है, लगभग 28,000 रुपए। अगेन सेम कोड आपको यूज करना है, इसमें सारे टीचर का बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाता है, मेंटरशिप आपको मिल जाती है, बस स्टडी मटेरियल आपके घर नहीं आता है। और फिर एक आता है लास्ट बेटा, विच इज आइकोनिक सब्सक्रिप्शन। अब जब आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 50K बेटा, 50,000। लेकिन बेनिफिट क्या है, तीन चीजें जो हाईली रिकमेंडेड है आइकोनिक के लिए। पहली, एक तो स्टडी मटेरियल अनअकैडमी का आपके घर आता है, फिजिकल नोट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा, एक मेंटोर आपको मिलता है ऐसा जो आपको गाइड करता है टाइमली आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कब किस सब्जेक्ट को कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किसको कितना वेटेज देना चाहिए। साथ ही साथ एक टीचर भी आपका मेंटोर हो जाता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, NEET UG अश्योर यहाँ पर आपको मिल जाता है आइकोनिक सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पर क्या मिल जाता है आपका, NEET UG Assure आपको यहां पर साथ में मिल जाता है। सर क्या है NEET UG Assure, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बताता है कि आप अगर किसी भी XYZ कारण से अगर 2024 में आप नहीं बेहतर मार्क्स ला पाते हैं तो बेटा आप 2025 के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हैं, ये है NEET UG Assure। लेकिन बेटा एक चीज है, अगर आप आइकोनिक ले रहे हैं तो देर आर हाई चांसेस, जितने भी अनअकैडमी के लर्नर्स हैं जिन्होंने रैंक्स निकाली है वो या तो प्लस लर्नर थे या फिर आइकोनिक लर्नर थे जिन्होंने टॉप रैंक्स निकाली है। इफ यू वॉन्ट योर सेल्फ ऑन द नेक्स्ट टॉपर लिस्ट बेटा, तो आपको समय नहीं गंवाना है, आज और अभी डिसीजन लेना है। यूजिंग कोड MS Live आप एनरोल कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। आज का लेक्चर आप रिवाइज करके आएंगे, कल मैं आप लोगों को जो आज मैंने चीजें लिखवाई हैं इसको थोड़ा सा क्विक रिकैप करवा दूंगा और उसके बाद फिर हम कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको मजेदार लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अनअकैडमी के बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से एनरोल कर लेना बेटा। एंड एक और चीज है कि कल जब मुलाकात हो तो रिवाइज करके जरूर आना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेली आपसे 6 बजे मुलाकात होगी, मुझे कमेंट करके बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई ना, तो साथ साथ लिखते चले जाना है, नोट्स बनाते चले जाना है, इंपॉर्टेंट चीजें जो भी क्लास में आए उन्हें अलग से पेजेस में लिखते चले जाना, सो दैट हाथ के साथ आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होते चले जाए। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर दिस सेशन, एंड आप लोगों ने बड़ी तसल्ली से आराम से प्यार से मोहब्बत से सुना, उसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, अभी तक के तब तक के लिए लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।